मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे लिए ऐसा सोच लिया। अब आजकल ये सब जो चल रहा है ना, उसकी वजह से मेरा दिमाग इतना उलझा हुआ है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मुझे लगा कहीं तू भी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, पहले ही सुनी सुनाई बातों ने हमारा बहुत नुकसान कर दिया। अब तो हमें ऐसा लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। नहीं बेटा, अपनी किस्मत को दोष मत दे, हम भी माँ पर पूरा भरोसा करें। काकी चलिए हम आपको घर छोड़ देते हैं, बस 5 मिनट अपने घर होके आता हूँ। माँ साथ क्यों नहीं हो सकती थी केसर? क्यों उन्होंने मुझे अपने आप से दूर भेज दिया और फिर अपने गिल्ट का एल्बम बनाकर अलमीरा में बंद कर दिया? सॉरी केसर, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे शक्ति दो माँ कि नासू और सूरज को एक कर दूं जल्दी। हम चलते हैं काकी। जय अम्बे माँ। जय अम्बे बेटा। केसर! केसर! केसर, केसर बेटा, इसे तो तेज बुखार है। केसर को कमरे में ले चलो। चलो चलो उठा। सूरज बुखार नहीं उतरा अब तक? नहीं काकी। सूरज डॉक्टर ने क्या कहा? बुखार थकान की वजह से हुआ। हाथ झुलसने के बाद भी इसने आराम नहीं किया, लगातार काम करती रही, इसलिए शायद मेंटली और फिजिकली थकान हो गई है इसे बहुत। पर केसर क्या झुलसे कैसे? कबीर तो इस समय यहाँ? वो हम मंदिर गए थे तो वहां हमें काकी मिल गई, तो उन्हें छोड़ने चले आए यहाँ पर। पर काकी ये सब हुआ कैसे? वो कबीर तुझे दिखाई नहीं दे रहा? केसर सो रही है, इसे बुखार है, यहाँ बात मत कर। सूरज सही कह रहा है, चलो तुम सब लोग चलो, सूरज है यहाँ केसर का ख्याल रखने के लिए। चल कबीर मैं बताती हूँ। अंबिका वो तू भी चल। बा मैं केसर को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, और वैसे भी 21 दिनों तक सूरज इसके साथ नहीं रह सकता। अंबिका वो बच्चे समझदार हैं, अपनी मर्यादा जानते हैं, और ऐसे हाल में पति पत्नी को अलग रखना ये कहाँ की समझदारी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा बा, केसर मेरी पत्नी है और मैं ही इसका ख्याल रखूंगा। चल अंबिका बोल,